हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक पार्सल आया हुआ था पर्पल से और अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ मैं। सो कंटिन्यू, आप भी देख सकते हो कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो नहीं बनाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो मैंने मंगवाए हुए थे जो कि मुझे स्टॉक करने थे। सो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि क्या क्या मंगवाया मैंने। तो सबसे पहले ये NYB का मस्कारा था जो कि मैंने मंगवाया है, साथ में एक 4-in-1 जो ल्यूमी क्रीम समथिंग कुछ होता है वो मैंने मंगवाया था। सो ये मैं जब यूज़ करूँगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा पाऊँगी। ये NYB का ही स्विस ब्यूटी का ही जो है वो लिपस्टिक है। तो ये तीनों एक पैकेजिंग में आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी पैकेजिंग दिखाती हूँ और एक ही बॉक्स में काफ़ी सारा आया था, मैं तो भूल भी गई थी। ये एक राइस टोनर है जो कि आप अपने बालों पे, इवन अपने स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो। मुझे एल्प्स गुडनेस का जो है वो मैंने काफ़ी बार रिव्यू देखा हुआ था तो मुझे काफ़ी मन था कि एक राइस वाटर टोनर जो है वो मैं मंगवाऊँ। सो फाइनली मैंने मंगवा लिया है। उसके बाद ये NYB का ही जो है वो बनाना पाउडर है और ये बनाना पाउडर जो है वो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि स्टॉक करूँ क्योंकि आप कभी भी फाउंडेशन वगैरह बीबी क्रीम लगाते हो तो उसके बाद आप वाइट कलर का पाउडर लगाते हो तो बहुत ही अजीब सा दिखता है, तो बनाना पाउडर हमेशा बहुत अच्छा होता है। सिंपल का फेस वॉश तो सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में चल रहा था, इवन अभी भी रहता ही है और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, अभी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। NYB का ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मंगवाया हुआ है। वैसे तो मैं फाउंडेशन लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, BBCC क्रीम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे पसंद है ये। उसके बाद ये लैक्मे का 9 to 5 ल्यूमी लाइट कुछ क्रीम है और ये क्रीम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। सो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ और एक प्यारा सा शाइन आपके फेस पे आएगा। उसके बाद ये D10 पैक है जो कि ये ओजोन का है और ये मैं एक बार यूज़ की हूँ अभी और इसका रिज़ल्ट मैं बोलूँगी कि उतना मुझे समझ आया नहीं, बट ओवरऑल इट्स गुड। जब मैं आगे ट्राई करूँगी तो और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। साथ में ये गोल्ड पील ऑफ मास्क है जो कि गुड वाइब्स का है और ये पील ऑफ मास्क जो है वो आपकी स्किन पे जो डेड स्किन्स वगैरह होती है ऐसे उसको रिमूव करने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। ये मैंने एक आईब्रो पेंसिल मंगवाया हुआ था जो कि ब्राउन कलर में है, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। साथ में ये छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट हुआ था मॉइस्चराइज़र जो कि गुड वाइब्स का ही था। उसके बाद ये एल्प्स गुडनेस का ये फेशियल किट है, ये भी मुझे एज अ गिफ्ट पैक ही मिला था, ये मैंने मंगवाया नहीं है, ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला था। उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ एल्प्स गुडनेस का ये फ्रेंच ग्रीन क्ले मास्क है, मतलब ग्रीन क्ले है और ये इसका पाउडर है और ये बहुत ही मैंने सुना था कि बहुत जैसे मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ करते हो ना वैसे यूज़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। NYB का ही मैंने काजल मंगवाया है और ये काजल इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने अभी तक एलिटिन की काजल यूज़ किए हुए हैं बट ये काजल मुझे बहुत पसंद आया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।